बिहार के नवादा से जो सामने आ रही है, एक परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया है। एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खाया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कर्ज की वजह से जहर खाने की आशंका जाहिर की जा रही है। बिहार के नवादा से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि जिसमें 6 के 6 लोग जहर खा लेते हैं, 5 लोगों की जान चली गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नवादा से, जहां पर परिवार इस तरीके से कर्ज के बोझ तले दबा कि उसने आखिरी रास्ता मौत को ही चुना। गुजरात विधानसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सुबह ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 10 बजे तक पहली सूची बीजेपी की सामने आ सकती है। पहले फेज के सभी 89 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। बुधवार को दिल्ली में गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहते हैं। और इस बैठक में गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 1 दिसंबर को होगा, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने 89 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है।